रबी तिलहन की फसलों की आवक से पहले केंद्र सरकार ने आधा दर्जन राज्य से खाद्य तेल और तिलहन पर लगी स्टॉक लिमिट को हटाने का फैसला किया है। सूत्रों के अनुसार बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में केंद्र सरकार ने खाद्य तेल और तिलहन पर लगी स्टॉक लिमिट को हटाने का फैसला किया है, जबकि अन्य राज्यों में जून 2022 तक ये प्रभावी रहेगी। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि पिछले 8 अक्टूबर 2021 को लागू की गई स्टॉक लिमिट 30 जून 2022 तक प्रभावी रहेगी, लेकिन बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान को इस अधिसूचना से मुक्त किया गया है, यानी इन राज्य में खाद्य तेलों और तिलहन लगी स्टॉक लिमिट हटा दी गई है। देश के बाकी राज्य में स्टॉक लिमिट पहले की तरह लागू रहेगी। खाद्य तेल की स्टॉक लिमिट रिटेल विक्रेताओं के लिए 30 क्विंटल, थोक विक्रेताओं के लिए 500 क्विंटल और बिग रिटेल चेन आउटलेट के लिए 30 क्विंटल और डिपो के लिए 1000 क्विंटल की है। तिलहन की स्टॉक लिमिट खुदरा व्यापारियों के लिए 100 रुपये क्विंटल और थोक विक्रेताओं के लिए 2000 रुपये क्विंटल की है। प्रोफेसर्स 90 दिनों की पेराई क्षमता का खाद्य तेल स्टॉक में रख सकते हैं। केंद्र सरकार ने पिछले साल खाद्य तेलों की बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाने के लिए स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला किया था। रबी तिलहन फसलों की आवक शुरू होने से पहले भाव में भारी गिरावट रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां तिलहनी फसलों की आवक चालू महीने के अंत तक बढ़ेगी, लेकिन वहाँ अभी स्टॉक लिमिट लगी हुई है। इन राज्यों में मुख्यतः मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल आदि शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।